हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है और कुछ ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा खाने का दिल करता है, तो फिर आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे झटपट सी कुल्फ़ी। झटपट सी क्या, जमने में तो टाइम भरा लगता ही, लेकिन बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम कुल्फ़ी बनाते हैं, जो आप लोग के लिए भी आसान हो और घर में आराम से बना कर के जब दिल चाहे खा सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारे पास है 1 लीटर 1.25 लीटर दूध, तो इसमें से हम आधा दूध ले लेंगे। ये हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें हम आधा दूध ले लेंगे। पूरा 1 लीटर दूध हमने इसमें ले लिया है और उसमें से आधा कप निकाल लिया है, इतना दूध हमने कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए। तो ये दूध हम अभी 10 मिनट के तक के पकाएंगे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा हो जाए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है ये देखिए चीनी, ये हमारे पास है कस्टर्ड पाउडर, और ये हमारे पास है खोया, और ये है पिस्ता, और ये है काजू। तो अब जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा होता है तब तक कि हम जो है इसको भी भून लेंगे। जो हमारे पास ये है इसको हम खोए को धीमी धीमी आंच पे छोड़ देंगे और वो खूब अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। भाई हमने चढ़ाई है आंच, इसको धीमी कर दिया है और इसको हम चाकू से पतला पतला काट देंगे ताकि एक ही जगह जल ना जाए, मेल्ट होने में से आसानी रहे। फिर आराम से स्लो, एकदम स्लो आंच पे छोड़ देंगे, धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि जले नहीं हो, और इसको हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हमको करना है। जैसे ब्राउन ब्राउन सी होती है ना कुल्फ़ी, एकदम उसी तरह की जैसे बाज़ार वाली होती है, एकदम वैसे ही तैयार होगी इंशाल्लाह। एक तरफ हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और एक तरफ हमारा खोया भुन रहा है, तो 10 मिनट में ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। देखिए खोया हमारा काफ़ी कुछ ब्राउन हो चुका है और दूध भी हमारा अच्छे से उबल रहा है। अभी थोड़ा और इसको हम थिक करेंगे दूध को, अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, अभी सिर्फ दूध को हम गाढ़ा कर रहे हैं। इसको अभी हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देते हैं और खोया हमारा लगभग ब्राउन हो चुका है। 1-2 नंबर का फ़र्क है, थोड़ा सा एक 5 मिनट की और कसर है, 5 मिनट और हम इसको भून लें, फिर हम चूल्हा बंद करके इसको उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक कि हमारा दूध उबल रहा है इसी टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 इलायची, मैं दाने के और मैं छिलके की, ऐसे तोड़ देंगे छिलका भी और दाना भी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, 10 मिनट इसको हो चुका है पकते हुए, लेकिन अभी हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और गाढ़ा करना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। और ये पकते हुए दूध में 4-5 इलायची तोड़ के हमने इसमें डाल दी है, और जितने पकेगा उतने में इसमें टेस्ट और वो फ्लेवर दोनों आ जाएगा। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है अच्छा खासा, अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो देखिए इसमें हम 4 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला रहे हैं अपना और इसको थिक कर रहे हैं। अब बस एक उबाल आ जाए, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद एक उबाल आ जाएगा, बस इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसी स्टेज पे गाइस हमको चीनी भी मिक्स करना है, जो कि हम भूल गए इसमें। मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तेज़ मीठा है तो तेज़ और हल्का मीठा है तो हल्का मीठा, हमने इसमें 6 चम्मच चीनी डाल दी है। बहुत तेज़ मीठा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुल्फ़ी तो हल्की ही मीठी अच्छी लगती है ना, बहुत तेज़ डिज़र्ट की तरह तो बहुत तेज़ मीठा होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसमें 6 चम्मच डाली है चीनी। और अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है मीठा, तो आप इसको टेस्ट करके भी सेट कर सकते हैं कि इसको टेस्ट कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना मीठा आपको रखना है।
मोबाइल वाला छोड़ कोई। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, बस अब हम गैस को बंद कर देंगे, गैस का काम हमारे ख़त्म। इसको हम बंद कर देंगे और इसको उतार देंगे चूल्हे से ताकि ये ठंडा हो सके। और ये जो हमारा खोया है वो अच्छे से भुन चुका है और ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना देंगे। अब इसको हम डाल के पीस लेंगे। ये हमारा खोया पिस चुका है, अब हम इसको इसमें मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है ना, बस जमा नहीं कि कुल्फी तैयार समझ लीजिए। ये हमने काजू क्रश करके रखा, मतलब काट के रखा है, इसको हम डाल देंगे सब इसके अंदर। और ये हमने काट के रखा है पिस्ता, वो भी हम डाल दे रहे हैं इसमें। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई। बस अब हम इसको जमाने की तैयारी करते हैं। काफ़ी ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा अभी ठंडा नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कुछ ठंडा हो चुका है। अब इसको हम जमाने की तैयारी करते हैं। हमारे पास मेल्ट किया हुआ बटर है और ये है हमारे पास कुल्फ़ी वाला आइसक्रीम वाला डिब्बा, बस हम इसी में बटर लगा देंगे, ग्रीस कर देंगे बटर से सारे डिब्बों को अपने, जिसमें भी जमाना है आपको। ज़रूरी नहीं कि आप डिब्बे में जमाइए, आप किसी ग्लास में जमा दीजिए, आप कटोरी में जमा दीजिए, आप किसी डिश में जमा दीजिए जो गहरी डिश हो उसमें जमा लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जमाना है। ये देखिए एक ग्लास है, इसको भी हमने ग्रीस कर लिया है। ये देखिए इसको भी ग्रीस कर लिया हमने। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा नीचे भी डाल दीजिए ताकि निकाले तो थोड़ा सा चिपका रहे, अच्छा लगे। अब इसको हम 4-5 घंटे के लिए, बल्कि और ज़्यादा 6-7 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। देखिए एक तरीका कुल्फ़ी जमाने का ऐसा होता है कि बर्फ़ को क्रश कीजिए किसी डिब्बे के अंदर, चौड़े डिब्बे के अंदर क्रश कीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऊपर नमक की लेयर दे करके, और उसमें अगर लोहे का आपके पास जमाने वाला बर्तन हो जो आइसक्रीम स्टिक आती है अगर उसमें जमाइए तो उसमें बहुत अच्छे से जमती है। लेकिन हम लोग ये सारा प्रोसीजर ना करके, फ्रीज़र हम लोग के पास है तो हम लोग फ्रीज़र में आराम से जमा लेंगे। ये जो बैटर हमारा बचा है हम और ग्लासेस तैयार कर लेंगे और सारा बैटर उसी ग्लासों में लगा देंगे। गाइस अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा काजू डाल दे रहे हैं गार्निश के लिए। अब इन सब पे हम ढक्कन लगा देंगे। अब चूंकि हमारे पास ग्लास है तो ग्लास पे हम कैसे बंद करें, बंद करना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर आइस ना आ जाए, इस वजह से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिल्वर फॉइल वाली कटोरियां हैं, बस इन्हीं को हम इसके ऊपर बंद कर देंगे। ये देखिए फिट हो गई।
ये देखिए एकदम फिट। अब हम इसको 4-5 घंटे के लिए फ्रीज़र में लगा देंगे और फिर देखते हैं कि हमारी कुल्फ़ी कैसी तैयार होती है। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं 4-5 घंटे के बाद हम। तो ये देखिए गाइस, मेरी आइसक्रीम नहीं कुल्फ़ी जम चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं, देखते हैं खोल के इनकी क्या कंडीशन है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये जम चुकी है। अब इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये ग्लास की वजह से टाइट हो गई है। ये देखिए गाइस, तो हमारी आइसक्रीम एकदम रेडी है। कुल्फ़ी हमारी बहुत अच्छे से जमी है। बस इसको हम इस तरह से घुमा देंगे चाकू पूरा, इसकी कूलिंग थोड़ी सी कम हो जाए और इसको निकलने की जगह मिल जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हुई है। अब इसको हम चाकू बीच में डालेंगे और इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो गाइज आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट से हमको नवाजिए। तो आप इसको बनाइए और हमको बताइए कि ये आइसक्रीम आपको कैसी लगी हमारी, ये कुल्फ़ी हमारी आपको कैसी लगी, कैसी पसंद आई। और इसको बना करके आप हमें बताएं कि आपने बनाया तो कैसी बनी। हमारी तो बहुत अच्छी जमी है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। और ये देखिए, ये हमने इसमें डिब्बे में जो जमा दिया था वो भी एकदम परफेक्ट जमी है। ये देखिए तो गाइस, बहुत इजी तरीके से ये कुल्फ़ी बनी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे हमारी वीडियोस को। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।